अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि एक कंडक्टर का तो स्फेरिकल कंडक्टर लिया था और उसकी हमने कैपेसिटेंस निकाली थी, और फिर मैं आपको बताया गया था कि कल वाला जो वीडियो होगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बच्चों इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, इसी के आधार पर हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे, आगे चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे, आगे चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों संधारित्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोला जाता है संधारित्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संधारित्र क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक दिन मैंने आपको सबसे पहले ये भी बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपल बात है कि कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। संधारित्र एक उपकरण होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। अब ये विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किस प्रकार से करता है, किस प्रकार की युक्ति होती है, और कैपेसिटर है तो ऑब्वियस बात है इसकी कैपेसिटेंस भी होगी। इसकी कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले एक बात तो ये लिखते हैं कि कैपेसिटर कैपेसिटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान देना बच्चों इस चीज के ऊपर, ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन ये कहती है कि कैपेसिटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, संधारित्र जो होता है एक उपकरण होता है जो कि विद्युत आवेश को, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोर हो जाएगा। अब देखना कि C बराबर कल हमारे पास फॉर्मूला था Q/V। इसका मतलब चार्ज जितना ज्यादा होता है उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होती है। अर्थात जैसे जैसे हम चार्ज को आवेश को इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब हम आज स्टडी करेंगे इसके बारे में। देखना सबसे पहले हम दो कंडक्टर लेंगे। मान लिया कि एक कंडक्टर हमारे पास A है और एक कंडक्टर हमारे पास B। ये दो हमारे पास कंडक्टर है बच्चों। अभी इसकी शेप और साइज की हम नहीं जा रहे हैं। मान लिया कि हमने दो रैंडम कंडक्टर लिए हैं, ये A है और ये B है। दो चालक है हमारे पास, चालक A और चालक B। ये चालक मान लिया पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। किससे चार्ज है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास दो कंडक्टर है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। दो कंडक्टर है, दो चालक है, चालक ए और चालक बी। चालक ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और चालक बी के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही परिमाण का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेचर दोनों की अपोजिट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या है, सेम है। अब हम दोनों को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का जो प्लस वाला एज होता है उससे ए कंडक्टर को, ए जो कंडक्टर है उसको कनेक्ट कर देते हैं, और जो माइनस वाला एज होता है उसको बी से कनेक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ जाए। देखना दोबारा से सुनना, हमारे पास दो कंडक्टर है बच्चों, ए और बी। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब हम कुछ देर बाद में मान लिया कि हमें पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज बैटरी को पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब मान लिया कि हम इस बैटरी को हटा देते हैं। जब हम इस बैटरी को रिमूव कर लेंगे तो आप क्या देखोगे कि इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। चार्ज स्टोर ऑब्वियसली हो जाता है, क्यों? क्योंकि बैटरी से जो चार्ज मिलता है वो इसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब बैटरी से मिलने वाले चार्ज को जब स्टोर कर लेते हैं, इसका मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। दो अपोजिट नेचर वाली प्लेट हो गई, ये एक प्रकार का प्लेट का बैटर प्लेट लाइक काम कर गई। इसका मतलब ये दो प्लेटें हो गई और इनके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटर बोलते हैं। बात इतनी है कि जब हमारे पास कैपेसिटर रिमूव होता है तो उसके अंदर बैटरी नहीं लगी होती है, उस समय बैटरी का कोई भी काम नहीं होता है। आगे बात समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस जो होती है बच्चों वो कंडक्टर की शेप के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा कंडक्टर की साइज के ऊपर डिपेंड करती है, तीसरा कंडक्टर के जो दोनों प्लेटें हैं यानी जो दोनों कंडक्टर हैं उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम, मीडियम विच प्रेजेंट बिटवीन
बिटवीन बोथ कंडक्टर। ध्यान देना बच्चों, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किन किन चीज के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो जो दोनों कंडक्टर है उनकी शेप के ऊपर, एक उनकी साइज के ऊपर, एक उनकी डिस्टेंस के ऊपर, दोनों प्लेटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी जो दोनों प्लेटों के बीच में एग्जिस्ट करता है, दोनों प्लेटों के बीच में विद्यमान है उस मीडियम के ऊपर। हमें पता है कि तरह तरह के मीडियम हम इसके बीच में रख सकते हैं। मान लिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी वरियस टाइप के होते हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग अलग होते हैं। तो वो मीडियम अलग अलग रख के हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। आगे बात सुनिए, किसी भी कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की किसी भी श्रृंखला की धारिता को परिवर्तन करने के लिए शेप, साइज, डिस्टेंस दोनों के बीच ही, दोनों प्लेटों के बीच ही, और दोनों प्लेटों के बीच में जो प्रेजेंट मीडियम होता है उस मीडियम की प्रकृति, उस मीडियम की नेचर को चेंज करके हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। आगे बात सुनने कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल कैपेसिटर, समझ में आ गया? कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो कैपेसिटर जो होता है संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो कि विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चों प्रिंसिपल पढ़ने के लिए अपन पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, देखना। प्रिंसिपल पढ़ने के लिए सबसे पहले मान लिया कि हमने कोई एक कंडक्टिंग प्लेट ली जो कि प्लस चार्ज से चार्ज है, जो कि प्लस चार्ज से चार्ज है। ये प्लेट ए, हमारे पास एक प्लेट है जो कि प्लस चार्ज से चार्ज है। एक ए प्लेट हमने ले ली है जो कि प्लस आवेश से आवेशित है, अर्थात धनात्मक आवेश से, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। अब हम एक अनदर कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे जो इसके पास लाके हम रख देंगे, एक दूसरी कोई कंडक्टिंग प्लेट लेंगे जो इसके पास लाके हम रख देंगे, ये प्लेट बी है। अब आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में चार्ज ट्रांसफर की कई विधियां पढ़ी थी। उन विधियों में हमारे पास एक विधि थी प्रेरण, इंडक्शन। इंडक्शन प्रेरण मतलब चार्ज जो है वो प्रेरित हो जाना, सामने वाले के ऊपर प्रेरित हो जाना चार्ज। अब हमें पता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की जो नियर बाई सरफेस है किसका, बी का नियर बाई सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस। तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज प्लेट होती है उसके जो नियर बाई सरफेस है उसके ऊपर ड्यू टू इंडक्शन प्रेरण के कारण समान परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज प्रेरित हो जाता है। समान परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज जो होता है वो इंडक्टेड हो जाता है। कौन से सरफेस के ऊपर? नियर बाई सरफेस के ऊपर। अब ए जो प्लेट है उसके नियर बाई सरफेस कौन सा है बच्चों? ये सरफेस है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इतना है उतना उतना नेगेटिव चार्ज यहां प्रेरित हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां प्रेरित हो गया। अब इस प्लेट के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जो फर्दर प्लेट बचे या उसका फर्दर सरफेस, जो इसका आगे वाला सरफेस, जो बचा हुआ सरफेस है उसके ऊपर उसी परिमाण का पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है। ध्यान देना बच्चों, उसी परिमाण का पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि इसका जो चार्ज होता है, हमने अभी उस समय हमने पिक्चर करके पीछे हमने ये देखा था कि जो टोटल कैपेसिटर होता है उसके दोनों प्लेटों के ऊपर जितना एक के ऊपर पॉजिटिव होता है बराबर में उतना ही दूसरे के ऊपर नेगेटिव होता है। इसका मतलब कैपेसिटर का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। ओवरऑल चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। जो नेट चार्ज ओवर कैपेसिटर कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट के ऊपर जितना पॉजिटिव होगा उसके सेम का सेम दूसरी प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दूसरा हमने ये देखा कि कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शेप के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि कंडक्टर का आकार बढ़ा के हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी सोचने की बात है कि कंडक्टर का आकार जितना बड़ा करते जाएंगे वो उतनी ही ज्यादा स्थान घेरेगा। और हमें पता है कि जो चीजें एरिया को, जो चीजें स्थान घेरती है उन चीजों की इंपोर्टेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो जिनकी कैपेसिटी ज्यादा हो और लेकिन एरिया जो होता है वो कम घेरती हो, अर्थात सरफेस को कम कवर करे। हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम कैपेसिटी को
ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसमें उनकी शेप को, प्लेटों की जो शेप होती है, शेप्स ऑफ प्लेट जो होती है, उनको बिना छेड़े, उनमें बिना कोई परिवर्तन किए इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है ये हम देखने जा रहे हैं। देखना बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज के सेम बराबर मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड के यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहां पर प्रेरित हो गया। आपको पता है जो पर्सनल सरफेस होगा उसके ऊपर उसी परिमाण का, उसी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा, हो गया। अब देखना ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की कैपेसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बच्चों क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, या इसका जो पोटेंशियल है वो किसके कारण कम हो रहा है, इसके कारण कम हो रहा है। देखना पोटेंशियल जैसे ही कम होता है वैसे कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को कम करेगा, और पोटेंशियल को कम करते ही इन दोनों प्लेट की संयुक्त, दोनों प्लेट की कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है, इसका मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने प्लेट से बनता है, दो प्लेट से, दोनों प्लेट हमें मिल गई, दोनों प्लेट के जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। पोटेंशियल जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इनकी कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होगा बच्चों, ये जितना यहां जितना नेगेटिव चार्ज प्रेरित होगा उसके कारण इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखना हमारे पास तो ये फैक्टर और है कि ये नेगेटिव चार्ज मान लिया कि इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है तो उतना उतना ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा भी तो रहा है। आगे का समय में उतना उतना ये जो फर्दर पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे है वो इसके पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। बट हमें कैपेसिटेंस को डिक्रीज नहीं करना है, क्योंकि हमें तो एक ऐसा मेथड चाहिए जो कि शेप को बिना चेंज किए और पोटेंशियल को डिक्रीज करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सके। इसका मतलब हमें इस चार्ज को कहीं न कहीं बदलना होगा, हमें इस चार्ज को कहीं न कहीं लेफ्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस प्लेट के इस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां उतर जाता है बच्चों, अर्थ में उतर जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो होती है वो कितना भी चार्ज ले सकती है, कभी भी मनाई नहीं करती है। अर्थ कितना भी चार्ज ले सकती है, कोई भी मनाई नहीं है। इसका मतलब ये जो बी प्लेट है उसके ऊपर वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहां उतार देंगे, यहां उतार देंगे। अब देखना बच्चों, अब मैं ए और प्लेट का, ए और प्लेट की नेक्स्ट फीचर बनाता हूं। तो ए प्लेट ये ली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये रहा, इतनी इतनी बी प्लेट इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है हमारे पास दो प्लेटें हो गई विच हैव अपोजिट चार्ज, वन हैज प्लस एंड सेकंड हैज माइनस। ओके, दोनों के ऊपर, एक के ऊपर एक के साथ, एक के पास में प्लस चार्ज है तो दूसरे के पास में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। दोनों एक दूसरे के सेम मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, जीरो, जीरो हुआ। दूसरी बात, पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और पोटेंशियल जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो कैपेसिटर होता है इसमें दोनों प्लेटें अपोजिट चार्ज वाली होती है और एक दूसरे के पोटेंशियल को कम करती है। अब बात ये आती है कि इस प्लेट का भी अलग पोटेंशियल होता है और इस प्लेट का भी अलग पोटेंशियल होता है। मान लीजिए कि V1 किस प्लेट का पोटेंशियल है, A का, V2 किस प्लेट का पोटेंशियल है, B का। अब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, V1 माइनस V2। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही एग्रीगेट या नेट पोटेंशियल होता है इस कैपेसिटर का। कैपेसिटर का नेट पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। इस पूरा जो कैपेसिटर होता है या पूरा जो संधारित्र होता है उसका विभव होता है। अगर आपको कोई पूछे कि संधारित्र का विभव कितना होता है, तो संधारित्र का विभव दोनों प्लेटों के बीच के विभवों, दोनों प्लेटों के विभवों का विभवांतर, या दोनों प्लेटों के विभवों का अंतर ही क्या होता है, दोनों का विभवांतर होता है, या जो कैपेसिटर होता है उसका विभव, उसका पोटेंशियल होता है। आगे बात सुनने, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी डिफरेंस होता है बच्चों, ये जो भी डिफरेंस मतलब दोनों प्लेटों के विभवों के बीच का अंतर ही क्या होता है इस कैपेसिटर,
डिफरेंस, दोनों प्लेटों के पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, नेट पोटेंशियल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में। अब हमें एक बात पता चली कि अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। हमें शेप में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब शेप के आधार पर, प्लेटों की शेप के आधार पर जो कैपेसिटर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं बच्चों। अगर प्लेट रेक्टेंगुलर हो गई तो रेक्टेंगुलर हो गया रेक्टेंगुलर कैपेसिटर, अगर प्लेट स्फेरिकल होगी तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, अगर प्लेट सिलेंड्रिकल हो गई तो सिलेंड्रिकल हो गया। अगर प्लेट सिलेंड्रिकल हो गई तो सिलेंड्रिकल हो गया। इसका मतलब हमारे पास तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं, एक तो आयताकार प्लेट वाला संधारित्र, एक गोलीय प्लेट संधारित्र और एक बेलनाकार प्लेट संधारित्र। तो ये तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं। हम यहाँ पर हमारे चैप्टर में सिलेंड्रिकल का ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम केवल दो की ही चर्चा करते हैं बच्चों। एक तो होता है रेक्टेंगुलर और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब बात एक बार मैं आपको दोबारा संक्षेप में बता देता हूँ, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है। शेप को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो इसका मतलब कैपेसिटेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इसको डिक्रीज कर रहे हो पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, पूरा नेट चार्ज कितना होता है कैपेसिटर का, जीरो, बिकॉज बोथ प्लेट है सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या रखते हैं, सेम को मैग्नीट्यूड रखते हैं लेकिन नेचर क्या होता है, अपोजिट नेचर होता है। कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, कैपेसिटर का पोटेंशियल दोनों प्लेटों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। हमारा इतना सा वीडियो है, बहुत सिंपल वीडियो है जिसके बारे में हमने कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा है, कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तब तक स्टडी करिए।